हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वेद स्टडी ग्रुप। मैं श्रुति गुप्ता आपकी करंट के टॉपिक्स कवर कराऊंगी। आज हमारे पास हाल ही में एक न्यूज आई है। आज यानी 7 फरवरी को हमारे पास एक न्यूज आई है कि उत्तराखंड की चामोली डिस्ट्रिक्ट में एक ग्लेशियर के टूटने की वजह से एवलांच रिपोर्ट हुआ है रायनी विलेज में। तो ये हमारा एवलांच क्या होता है? जब भी पहाड़ में ढलान होती है, हम सब जानते हैं ढलान होती है, ढलान माने पहाड़ ऐसे होता है, और पहाड़ में ढलान होने की वजह से जो बर्फ होती है वो ऊपर से या तो पिघलती है या टूटती है, जिसकी वजह से वैसे नीचे की तरफ फिसलती है। तो ये जो बर्फ फिसलती है इसे हम एवलांच कहते हैं। तो यही चीज उत्तराखंड में रायनी विलेज में हुई है। आज यानी संडे को 7 फरवरी को ये चीज रिपोर्ट हुई है, हमारे पास न्यूज आई है इस चीज की। और इस एवलांच के होने की वजह से जो धौली गंगा रिवर है उसमें वाटर लेवल बढ़ गया है, जो एक ट्रिब्यूटरी है अलकनंदा की, जो बाद में जाके गंगा में मिल जाती है। तो ये चीज हुई है जिसकी वजह से फ्लड जैसी सिचुएशन आ गई है वहां पे। कई घर टूट गए हैं वहां पे, कुछ 150 लेबर्स के मिसिंग होने की खबर आ रही है, और उनके लिए उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन करा जा रहा है। अभी जो हमारी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है वो 5 NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स टीम कर रही है। एक देहरादून से है और 4 दिल्ली से भेजी गई है मदद के लिए, और 2 इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस भी वहां पे जो 2 हैं वो भी हेल्प कर रही है वहां पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए। और कुछ और लोगों के मिसिंग होने की खबर भी बताई जा रही है। और जो नीचे नदी के बहाव में जो नीचे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे एक अलर्ट जारी किया गया है। और विष्णुप्रयाग, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार में वार्निंग जारी करी गई है कि कोई भी रिवर बैंक में ना जाए अभी, क्योंकि वाटर लेवल अभी बढ़ा हुआ है। और ऋषिकेश में राफ्टिंग नहीं की जाएगी कुछ कुछ दिन से, इस वजह से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी। और अमित शाह ने सिचुएशन पे ट्वीट किया है कि जो भी हेल्प होगी वो प्रोवाइड करी जाएगी, NDRF टीम दिल्ली से भी भेजी गई है, और जो भी कुछ भी सहायता की वहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे वो प्रोवाइड की जाएगी। और जो उत्तराखंड के हमारे CM है, चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने भी ये ट्वीट किया है कि बेफिजूल का स्ट्रेस और पैनिक ना फैलाएं, र्यूमर्स ना फैलाएं, अफवाहें ना फैलाएं, गलत जो पुरानी वीडियोस हैं, पुराने इंसिडेंसेस की वीडियो है उन्हें स्प्रेड करके लोगों में पैनिक ना क्रिएट करें। और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम्स हैं वो सिचुएशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है और इस सिचुएशन पर लगातार नजर रखी जा रही है। और जो अलकनंदा नदी है उसका बहाव है वो सामान्य हो गया, ये एक अच्छी खबर हमारे पास आई है। और उन्होंने कुछ नंबर भी शेयर करे हैं, कोई भी अगर मुसीबत में फंसा हुआ है अफेक्टेड एरिया में वहां पे तो वो 1070 और 9574448 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने वापस ट्वीट करके एक और नंबर बताया 1905, इस पे भी आप कॉल कर सकते हैं अगर आप मुसीबत में फंसे हुए हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे लोगों में अवेयरनेस आए, कोई उस नदी के वहां पे ना जाए। जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा बोला गया है कि वहां ना जाए, वार्निंग जारी करी गई है, इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।